मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं यूपी से। यूपी में दो सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, एक है स्वार और दूसरी सीट कौन सी है वो बता देते हैं। दूसरी सीट है बहुत अहम सीट, स्वार और छानबे, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और इन दोनों सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव से तो यही देखा जा रहा है ना कि भाई दोनों सीटों पर ये कहा जा रहा है कि दबदबा होना चाहिए। जी हाँ, किसका दबदबा होना चाहिए? समाजवादी पार्टी का। दोनों सीटों को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी जीतोड़ मेहनत कर रही है। पिछले चुनावों को आप देख लीजिए, उपचुनाव में जिस तरीके से कई राजनीतिक पार्टियों को बड़ा फायदा हुआ, जिनमें समाजवादी पार्टी एक थी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर हुई। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो टक्कर हुई, उस टक्कर में ये देखने को मिलता है कि भाई बहुत बड़े हद तक एक बदलाव माना जाता है। देखिए, सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो अभी की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, जो अभी के हालात दिखाई दे रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अगर इन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर ले जाती है तो क्या बीजेपी के लिए खतरा नहीं है? देखिए, 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए जिस तरीके से मुश्किलें हम देख रहे हैं, या बीजेपी जिस तरीके से परेशानी में आज फंसती चली जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो इसका फर्क लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि समाजवादी पार्टी की तैयारियों को देखकर बीजेपी आज डरी हुई है, और बीजेपी का डरना ही जाहिर तौर पर बताता है कि आने वाले वक्त में उन्हें नुकसान होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।